2001 में आपके साथ रेप हुआ, उसके बाद भी आप देश भर में घूम घूम कर आश्रम बापू का गुणगान लोगों के सामने करती थी। सुना है उस समय आप प्रचार टीम की मुखिया भी थी, आपको तब भी भागने का मौका नहीं मिला, तो आपने आश्रम कब छोड़ा? 2007 में। चलो फाइनली गुड, आप निकल गई। फिर आपने शादी कर ली? जी। फिर तो सब कुछ ठीक हो गया होगा, आप आश्रम और बापूजी से दूर चली गई होंगी। रुको जरा, सबर करो। जी नहीं, 2013 तक मैं उनका सत्संग सुनने जाती। अरे कहना क्या चाहते हो? आपकी कहानी में ट्विस्ट की कमी नहीं है जज साहब। विक्टिम की बातें मेल नहीं खाती हैं, जो ये बोल रही हैं इसको प्रूफ करने के लिए एक भी सबूत नहीं है, और इनकी स्टेटमेंट्स के बेसिस पे मेरे क्लाइंट को सजा नहीं हो सकती। कन्विक्शन ओनली बेस्ड ऑन गर्ल स्टेटमेंट, लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा। आपने कहा कि 2001 में मेरे क्लाइंट आशाराम बापू ने आपके साथ रेप किया। जी। कुछ सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। 2001 में आपके साथ रेप हुआ, आप 2013 में कंप्लेंट करा रही हैं। 12 साल तक आप कहाँ थी? 2001 में आपके साथ रेप हुआ, 2002 में फिर आप अपनी छोटी बहन को आश्रम में रहने के लिए ले आती हैं। 2007 तक आप आश्रम में थी, आपने आश्रम छोड़ा क्यों नहीं? मैं डरती थी। ओ बात भी सही है, आप दबाव में निकल नहीं पाई।